बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नेल पॉलिश और नाखून की सेहत पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें। नफासत और सफाई से लगे हुए नेल पॉलिश वाले हाथ खूबसूरत भी बहुत नज़र आते हैं, लेकिन इस मामले में ज़रा सी बदइतिहाती आपके नाखूनों की सेहत की दुश्मन साबित हो सकती है। अक्सर नौजवान लड़कियां, मुलाजमत पेशा खवातीन और शादीशुदा खवातीन को नील पॉलिश बहुत पसंद होती है और वो हर वक्त नील पॉलिश से इनके नाखून सजे रहते हैं। ऐसी खवातीन कुछ ही देर के लिए अपने नाखूनों से नील पॉलिश को साफ़ करती हैं, वो भी इस वक्त जब इनको अपने लिबास से अमानक नील पॉलिश लगाने की ज़रूरत पेश आती है। नफासत और सफाई से लगे हुए नील पॉलिश वाले हाथ खूबसूरत भी बहुत नज़र आते हैं, लेकिन इस मामले में ज़रा सी बदइतिहाती आपके नाखूनों की सेहत की दुश्मन साबित हो सकती है। नील का इंतखाब करते हुए हमेशा आला मियार पर जोर दें। नील पॉलिश लगाने से कबल नाखून पर बेस कोट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बेस कोट नील पॉलिश में शामिल केमिकल से नाखून की हिफाजत करता है और नाखून को सेहतमंद भी रखता है। जब आप दूसरी नील पॉलिश लगाने से कबल पहले से लगी हुई नील पॉलिश को साफ़ करें तो बेहतरीन और मियारी नील पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा नील पॉलिश साफ़ करने के बाद एक अच्छी हैंड क्रीम या सादे जैतून के तेल से नाखूनों का मसाज करें और क्यूटिकलर का भी अच्छी तरह मसाज करें। अगर मुमकिन हो तो एक नील पॉलिश साफ़ करने के बाद दूसरी नील पॉलिश लगाने से कबल दरमियान में एक दिन का वक्फा ज़रूर दें, ताकि नाखूनों को सांस लेने में आसानी हो और कुदरती फ़िज़ा में इनकी सेहत भी दुरुस्त रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।